हाउ डू द स्टोरेज ग्रेन लॉसेज अकर, तो अगर हमने स्टोर किए हुए हैं अनाज को तो उसमें कैसे जो है लॉसेज हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो लॉसेज होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से होते हैं। बायोटिक फैक्टर यानी इंसेक्ट्स और पेस्ट वगैरह की वजह से, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया इनके कारण लॉस होता है। दूसरा फिर एबायोटिक फैक्टर की वजह से होता है, एबायोटिक फैक्टर में हो जाएगा मॉइस्चर, हो जाएगा सनलाइट वगैरह, है ना, टेम्परेचर, तो ये एबायोटिक फैक्टर है और ये हमारे बायोटिक फैक्टर है। तो दो रीजन होते हैं बायोटिक और एबायोटिक जिनकी वजह से जो स्टोर किया गया जो अनाज है ग्रेन्स है वो या तो उनका डिग्रेडेशन हो जाता है यानी या तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है, या वो पुअर जर्मिनेबल हो जाता है। पुअर जर्मिनेबल मतलब अब उसको आगे जब अगर हम उसको बोएंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, पुअर जर्मिनेबिलिटी, ठीक है, तो उसकी उत्पादकता जो है वो घट जाएगी अगर उसको आगे हम जो है सोइंग के लिए यूज करते हैं। और डिसकलरेशन, डिसकलरेशन उसका रंग उड़ जाना, ठीक है, तो ये हो जाता है फसलों का, या किसके कारण हो सकता है, कीड़े लग जाए, पेस्ट, ठीक, इनके कारण, तो ये डायरेक्टली डैमेज करते हैं, ठीक है, ये बीजों को खा जाते हैं और उनको जो है खोखला कर देते हैं, खा जाते हैं, काट देते हैं, उनमें बीमारियां लग जाती हैं, तो ये डिटोरेट करते हैं या कंटामिनेट करते हैं किसको, ग्रेन्स को, तो इससे जो है वो फिर हमारे खाने के लिए भी अनफिट हो जाता है। फिर इस तरह के अनाज को आप नहीं खा सकते ना, देखा होगा ना आपने क्या होता है कि जिसमें कीड़े लग जाते हैं उस अनाज को खाते हो क्या आप, नहीं खाते ना, तो कीड़े लग जाते हैं तो फिर वो अनाज हमारे लिए फिट नहीं रह जाता, अच्छा नहीं रह जाता खाने पीने के इस्तेमाल में, ठीक है। फिर एबायोटिक फैक्टर, नमी वगैरह आ जाए या जो है धूप ना दिखाए अनाज को, आपने रखा हुआ है बोरे में भर के रख दिया, लंबे समय तक वो पड़ा रहा, उसमें जो है वहां पर कहीं कमरे में जो है वो नमी आ गई, बरसात में जो है उसमें सीलन आने से वो खराब हो गया, खराब हो गया तो वो सारा का सारा जो है वो अब किसी काम का नहीं रहेगा, आप उसको ना तो जो है खाने में यूज कर सकते हैं, ना ही अब वो जो गले हुए बीज हैं उनको आप खेत में उगा नहीं सकते क्योंकि उनसे जो फसल नहीं होगी, तो उनमें क्या हो गया, दे डिक्रीज द जर्मिनेबिलिटी, अब उनसे फसल पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उनकी जर्मिनेबिलिटी घट जाती है, ठीक है, नमी के कारण या धूप ना मिलने के कारण, तो इससे वो है आगे के किसी भी यूज के लिए वो फिट नहीं रह जाते, अनफिट हो जाते हैं फॉर द फ्यूचर यूज बाय द फार्मर। और क्योंकि मौसम ऐसा है कि वो बदलता रहता है, तो मौसम बदलता रहता है तो अब कहीं कहीं सूखा पड़ गया, कहीं कहीं बाढ़ आ गई, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से जो है फसलें खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए जो है जब स्टोर किया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसी जगह पर स्टोर किया जाए जहाँ जो अच्छे से सूखी हो, जहाँ पर नमी पैदा ना हो और जहाँ पर प्रकाश आता हो, लाइट सही से आती हो और कीड़े ना लगें, इसके लिए दवाएं लगाई जाती हैं जहाँ भी हम अनाज को स्टोर करते हैं तो उसमें कीड़े ना लगें, तो तभी तो वो लंबे समय तक जो है यूजेबल बना रहेगा। क्लियर है?